गीतों का आगमन हमारे मंच की ओर होने जा रहा है। The eminent guests of today's fifth convocation ceremony are arriving towards the dais. शक्तिदंड एवं ज्ञान दंडे के साथ हमारे आज के सम्माननीय अतिथियों का आगमन मंच की ओर होने जा रहा है। डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पांचवा दीक्षांत समारोह के सम्माननीय अतिथि कुलगुरु महोदय श्री सम्माननीय मुरली दर्जी चांदेकर साहब, संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती और सभी गणमान्य अतिथियों का मंच की ओर आगमन होने जा रहा है। The fifth convocation ceremony of Degree College of Physical Education. The president of today's ceremony, Dr. Muralidhar Chandekar, Vice Chancellor Shri Sant Gadge Baba Amravati University, our chief guest, Dr. Jatin Kumarji Soni, Vice Chancellor, Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar, Gujarat. Sabhi ganmanya अतिथियों का मंच पर आगमन होने जा रहा है। मैं सभी को विनती करता हूं गणमान्य अतिथियों का मंच की ओर आगमन होने जा रहा है। सभी से विनती करता हूं कि वह अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी गणमान्य अतिथियों से मैं विनती करता हूं कि वह अपने स्थान पर बैठ जाए। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु सम्माननीय डॉक्टर मुरलीधर जी चांदेकर साहब, मैं इनसे विनती करता हूं कि अपना अध्यक्ष स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय चांदेकर सर, धन्यवाद सर। सभी छात्रों से विनती है कि अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के आद्य संस्थापक गुरुवर्य स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य एवं हुतात्मा शिवराम हरि राजगुरु, इनके प्रतिमा को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती पांचवा दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम यहां पर शुरू होने वाला है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर मुरलीधर जी चांदेकर साहब, कुलगुरु संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती, मैं इनसे दीक्षांत कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। धन्यवाद महोदय। I request the gathering to stand on your respective places for the Ma Saraswati Pujan and lighting of the lamp. I request the dais to please come forward, followed by Vande Mataram. सुजलाम सुपलाम मलयज शीतलाम सश्यशामला मातरम वंदे
ಕಿತಯಾಮಿನಿ ಪುಲ್ಲಕ ಸುಮಿತ ಧ್ರುಮಗಳ ಸುಭಿನಿ ಸುವಾಸಿನಿ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿನಿ ಸುಗಲ ಸುಗಲ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ All to take their respective positions. प्राचीन समय में अब प्रस्तुत है संस्कृत में अनुवाद श्रीमान देवगुरु जी. मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यन्नमद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि येके चास्मच्छ्रेयां सो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम्. हिंदी अनुवाद. माता पिता आचार्य एवं अतिथियों का श्रद्धापूर्वक आदर करें. जो निर्दोष कर्म है उन्हीं का स्वीकार करे. दोषयुक्त कर्मों का कभी भी आचरण न करे. अच्छे आचरण का ही पालन करे. जो कोई हमसे आयु विद्या तप और आचरण से श्रेष्ठ है उनका आदर करे. उन्हें आसन प्रदान करे. विद्या या और कोई दान को श्रद्धापूर्वक दे. अश्रद्धा से कार्य को न करे. आर्थिक स्थिति नम्रता तथा आदरयुक्त भय से तथा विवेकपूर्ण दान दे. ऐसा दान कल्याण का साधन होता है. जगत में शांति हो. जय जगत. ओम शांतिरस्तु. ओम पुष्टिरस्तु. ओम तुष्टिरस्तु. ओम अविघ्नमस्तु. ओम आयुष्यमस्तु. ओम आरोग्यमस्तु. ओम कर्म समृद्धिरस्तु. ओम धर्म समृद्धिरस्तु. ओम शास्त्र समृद्धिरस्तु. ओम इष्ट संपदस्तु. ओम अरिष्ट निरसनमस्तु. हे भगवान, इन छात्रों को दूर रखे. इन्हें आयुष्य एवं आरोग्य प्रदान करे और कर्म धर्म और शास्त्र में समृद्धि प्रदान करे. उनके सभी संकटों का निरसन करे. धन्यवाद. Moving on to the formal floral welcome of the president of today's function, Dr. Muralidharji Chandekar, Honorable Vice Chancellor, Sant Garge Baba Amaravati University, I request Professor Ashish Hatekar to introduce today's president of the ceremony. आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष इनका परिचय देने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है. आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरलीधर जी चांदेकर, आप संत गाड़गे व अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती के सम्माननीय कुलगुरु पद पर विद्यमान है. शिक्षा क्षेत्र में आप विभिन्न महाविद्यालय VMV कॉमर्स, JMT आर्ट्स और JP साइंस कॉलेज नागपुर और महिला महाविद्यालय नासिक यहाँ पर प्राचार्य पद का कार्य किया है. आप राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर के प्रगुल गुरु पद पर कार्यरत थे. आप
गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौल के प्रभारी कुलगुरु पद पर कार्य किया है। आप व्यवसायिक क्षेत्र में विभिन्न समिति पर सदस्य के रूप में कार्यरत है। आप भारतीय संस्था अनुभव प्रबंध IIM रोहतक 2017 के गवर्निंग काउंसिल बोर्ड के सम्माननीय सदस्य है। आप UGC द्वारा गठित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं, अन्य शैक्षणिक स्टाफ और रखरखाव के लिए उच्च शिक्षा में मानकों के सम्माननीय समिति के सम्माननीय सदस्य है। आप महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा परिषद तकनीकी शिक्षा विभाग मुंबई के सम्माननीय सदस्य है। आप यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिक प्रबंधन मंडल शैक्षणिक परिषद और योजना मंडल तथा परीक्षा मंडल के सम्माननीय सदस्य है। आप मुंबई विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति द्वारा नामित सीनेट सदस्य है। आप यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिक विधि और अध्यादेश समिति के तैयारी के सम्माननीय अध्यक्ष है। आप यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिक और मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई परीक्षा सुधार समिति के सम्माननीय सदस्य है। आप महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित महाराष्ट्र कला वाणिज्य एवं वाणिज्य राज्य को अनुदान प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स कमेटी के आप सम्माननीय अध्यक्ष है। आपको शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत भारी योगदान रहा है। विदर्भ के आदिवासी क्षेत्र गढ़चिरौली मेलघाट में 748 एकलव्य एकल विद्यालय के सेवा कार्य में आपका बहुमूल्य योगदान रहा है। आपको शिक्षा और सामुदायिक के क्षेत्र तथा आदिवासियों की सेवा में योगदान कार्य हेतु सन 2003 में नागपुर के सावरकर स्मारक स्मृति द्वारा सामाजिक अभिसरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको श्रीलंका कोलंबो यहां आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ लेख पत्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इतना संक्षिप्त में परिचय देते हुए आपके स्वागत के लिए मंडल के कार्याध्यक्ष डॉक्टर रमेश गोडबोले इनको विनती करता हूँ आपको सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि माननीय डॉक्टर जतिन कुमार जी सोनी, कुलगुरु स्वर्णिम गुजरात क्रीड़ा विश्वविद्यालय गांधीनगर। मैं इनका परिचय एवं स्वागत करने हेतु प्राध्यापक रवि शाहू को आमंत्रित करता हूँ। मिस्टर रवि शाहू, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद ग्रेट प्लेजर आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर चीफ गेस्ट फॉर दिस फिफ्थ convocation ceremony, Honorable Dr. Jatin Kumarji Soni. Contribution of 38 plus years to sports in the capacity of a sportsperson, sports coach and mentor, as well as a sports administrator, Dr. Jatin Kumar Soni has come a long way. Started his sports career in the year 1979 and attained several medals in swimming and men's artistic gymnastics for major part of the tenure between 1979 and 1985. Served as mentor and coach to several prospective medalists between 1985 and 2009. Apart from attaining 4 gold, 4 silver and 6 bronze medals at different national level gymnastic championships, he is awarded with Best Contributor in Sports Coaching Award by the Chief Minister of Gujarat. With a notable academic record, he has acquired value-added certifications and degrees from Chinese and English sports bodies. His research interests and valuable contributions are in the field of sports psychology, training methodology, and movement analysis, among others. He has presented and published his research papers in respected national and international journals, national and international conferences, workshops, and seminars across the globe. His journey towards
contribution as sports administrator began as the director of physical education and sports at Saurashtra University, Rajkot, in the year 2009. With his honest and shining efforts, he was nominated as the founder vice chancellor of the Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar, in 2012, and further reappointed as vice chancellor for the next two consecutive terms. Currently, he heads or represents various physical education and sports sector on various high-powered committees of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Government of Gujarat, NCTE, many prestigious national and international universities in India and abroad. In the last decade, he has spearheaded various high-profile collaborations and MOUs with various government bodies and universities globally. Must mention, mostly in Australia, Kazakhstan, and Russia. Ladies and gentlemen, with great applause, let us welcome the Vice Chancellor of Swarnim Gujarat University, Dr. Jatin Kumarji Soni, by the hands of Dr. S.P. Chenke, Vice President of Sri Hanuman Vyayam Prasarak Mandal. धन्यवाद महोदय। मंच पर विराजमान सभी मैं अतिथियों का फिर से एक बार शब्द सुमन द्वारा स्वागत करता हूं और सभागृह में उपस्थित सभी का मैं फिर से एक बार शब्द सुमन से स्वागत करता हूं। Your Excellencies, Honorable Vice Chancellors, Dr. Muralidharji Chandekar and Dr. Jatinji Soni, His Majesty Padma Shri P.A. Vaidyaji, Dr. Saudetkarji, Vice President of Sri Hanuman Vyayam Prasarak Mandal, Dr. Srikantji Chenke, Vice President of Sri Hanuman Vyayam Prasarak Mandal, Dr. S.H. Deshpandeji, Treasurer of this Mandal, Dr. Maratheji, the Principal of College of Engineering and Technology, and also the Senate member of the parent university, all other honorable members of executive body of Sri Hanuman Vyayam Prasarak Mandal, members of the board of management of multi-faculty autonomous college, heads of all the faculty and departments, dignitaries, members of the staff, parents, well-wishers, and young graduates. I warmly welcome you all once again to the fifth convocation ceremony of the college. We are genuinely honored by your presence. Innovation and inclusion being the key values of any institution in a globalized area, educational institutions cannot be an exception. Today, the Degree College of Physical Education stands proud with 50 years of splendid achievements and commitment to the mission through holistic education. It owes its present position of eminence
to the dynamic mother institution, Sri Hanuman Vyam Prasadak Mandal, founded by Vaidya brothers, namely Anand Krishna and Amadas Krishna Vaidya, who were inspired by the spirit of patriotism, dedicated principals, faculty members, and vibrant students who contribute their might to the sustenance and enhancement of the quality of the institution, along with footprints at international platforms. With a strength of more than 3,000 students of recognized departments and the departments of science, BCA, BSc, MSc, and the Department of Engineering and Technology, MCA, the Commerce, BBA, MCOM, Career-Oriented Department, Vocational Studies, Yogic Sciences, BA, MA, PGTYT, and Physical Education, BPE, BPED, MPED, DYED, under 8. As of today, the college being permanently affiliated to Sant Gargababa Amravati University, Amravati, and recognized by the Government of Maharashtra, National Council for Teacher Education, WRC, Bhopal, and AICTE, Delhi, and by UGC under 2F and 12B, and is assessed and re-accredited by NEC Bangalore in B grade in the year January 2013. The college is also conferred upon autonomous status by Sant Gargababa Amravati University, Amravati, on the recommendation of UGC and Government of Maharashtra for the 5-year duration from the sessions 2007-8 to 2011-12, and parent university has given extension by autonomy up to 2016-17, and now further extended up to 2022-8. NIRF National Institutional Ranking Framework, HRD Ministry, Government of India, ranked this college second position in Maharashtra and 36th in nationwide ranking, declared on 3rd April 2017, continues the tradition of inclusion and benevolence by going beyond the conventional mode and integrating it at various levels. Beginning with the inclusive enrollment of diverse learners from different socio-cultural, economic, and religious backgrounds and differently abled students from 22 states of the country, to the merging by water community on all activities, the college takes every step to institutionalize and internalize inclusion. With its firm belief in quality enhancement, it is always on its toes, sparing all efforts to experiment with novel ideas and innovative practices in curriculum designing and instructional strategies to ensure sustainable human development. Taking into cognizance the dynamic societal changes fueled by technological development and globalization and the consequent paradigm shifts in several fields, efficient and effective use of technology and quality research culture are aimed at befitting the status of college with potential for excellence. Education becomes the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of the world. The college, in its attempt to preserve quality education, has always ensured that the young men and women who leave the portals of this institution turn out to be intellectually competent, morally upright, socially committed, spiritually inspired, and responsible citizens. Our aim is to create worthy students who turn out to be not only successful citizens, but also good human beings who will go the extra mile to transform this world for the better. I am pleased to present to you a few significant footprints of the college. Examination management. The conduct of examinations and declaration of result is one of the most important activities in autonomous college, and so
it is the core of any autonomous college. The process of automation, total secrecy, and timely declaration of the results are the metrics for performance evaluation of examination section. The college has implemented computerized system for pre and post examination activities. This software is indigenously developed by the MCA department's research and development section and successfully functioning for the last 10 years. It has the capacity to accommodate all types of examinations such as semester, annual percentage-based, credit-based, and choice-based credit systems. The barcodes are used to maintain complete secrecy. Timely declaration of results are achieved since its autonomous status, apart from successfully implementing the instant examination scheme, which is very well to put into action to prevent from the academic loss of academics of this college. Academic reforms in various courses of studies are also placed on record. Nevertheless, having considered social and emotional health of the students, their behavior, engagement, learning, and overall growth in achievements, student services and facilities are provided within the premises. We have spacious classrooms more conducive to appropriate learning with less external noise, reconfiguring seating arrangements to facilitate various modes of teaching and learning using advanced technology for it. The centralized facilities in the premises include health center, aerobic club, two swimming pools, naturopathy, physiotherapy, panchakarma, wrestling and judo halls, two indoor stadia, one with wooden floor for badminton, table tennis, basketball, volleyball, and the other one is internationally standardized interlocked mattresses for kabaddi and taekwondo, also competitive arena for boxing, two open stadia for 400 meter athletic tracks and gymnasium, and free basketball court, and so on. The libraries of the college is digitalized. We have the Soul 2.0 software is user-friendly software for integrated library management and supports cataloging of electronics resources like e-journals, e-books, virtually any type of materials. The college has developed policy for encouraging research and related activities, including creation of infrastructure in the form of setting and updating various laboratories, library, and orientation of teachers in research methodology with the starting of postgraduate studies way back in 1983. The research policy of the college aims to create and support a research attitude among its staff and students for enhancing the professional competences of the faculty members for developing and promoting scientific temperament and research aptitudes of all for realizing the vision of the college for development and participation in research and related activities and by providing the required resources and research facilities. Our human performance laboratory is equipped with an extensive range of scientific equipments which are geared for teaching, training, and research. Computer-based transducers, spirometry, Biotomics Max attached to a treadmill, body composition analyzer, and instruments for measuring force, motion, psychophysiological indices, and environmental stresses are frequently used by the scholars. The software section of our MCA department has developed touchpad for measuring speed of movement and reaction times of the hands of swimmers for both research, training, and swimming performance. Apart from other innovations in itself is exemplary. In GIST, our libraries are having research policy, genesis of research from its inception, research laboratory and its sections like exercise physiology laboratory, laboratory for psychology, biomechanics and anthropometry laboratory, education technology laboratory, computer application laboratory. In-house research activities and research projects, research-related activities at international platform in collaboration with international journals, international organizations, talent exchange and academic programs, and also with UNESCO.
We show our concern in every work of our life for the students, of the students, how to make the most of the student life. As the institution has been nurturing the learner's mind over the 5 decades with the benefits, that the heart of education is the education of heart. We have 3 international students participants and quite a good number of national and international university participants. Paper presentation at international and national conferences, seminars, workshops, symposium, and clinics by our devoted and highly qualified and experienced members of the staff. College has adopted 4 villages for extension activities. In a bid to eco-consciousness, saplings were planted in villages, and a rally was conducted to create awareness on prevention of dengue fever. Socio-economic survey was conducted, and the needs of the villages were studied for further course of actions. The institution in its march towards excellence had to incorporate new trends and accommodate other demands. The corporate efforts of people helped in translating the thoughts into reality. I express my sense of appreciation to all those who have contributed towards it, ever-loving God, who has been there with us in all our endeavors. It's He who gives us wisdom to channelize our energy and effort in mounting the youth of the nation who enter the portals of God. It is with a thankful heart lifted unto the God Almighty, I bow in gratefulness to the Mother Institution, Sri Hanuman Byam Prasarak Mandal, and also take this privilege of acknowledging my eternal sense of sincere gratitude to His Excellency, Padma Shri Honorable P.A. Vaidya Sahab, also Honorable General Secretary, Sri Hanuman Byam Prasarak Mandal, Amravati, for his kind guidance and untiring leadership. Thank you. Jai Hind. Thank you, Dr. K.K. Devnath, for your welcome speech and also bringing our attention towards completing 50 years, the Golden Jubilee of Degree College of Physical Education. I'll request the audience for a big round of applause for 50 years of excellence. विविध संकायों के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को उपाधि उनके विभागों द्वारा वितरण की घोषणा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर माधुरी चिंके मैडम। श्रीमान कुलगुरु महोदय, मैं स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि वितरण की घोषणा के लिए आपसे अनुमति चाहती हूं। अनुमति है। शारीरिक शिक्षा संकाय के अंतर्गत बीपी, बीपीएड, एमपीएड और डिवाइड। समाज विज्ञान संकाय के अंतर्गत बीए योगशास्त्र, एमए योगशास्त्र और पीजी डीवाईटी। अभियांत्रिकी व तंत्र संकाय के अंतर्गत एमसीए। विज्ञान संकाय के अंतर्गत बीएससी, बीसीए और एमएससी। वाणिज्य संकाय के अंतर्गत बीबीए और एमकॉम। उपरोक्त सभी उपाधि धारकों को अनुरोध किया जाता है कि वे अपने स्थान पर खड़े रहकर उपाधि स्वीकार करें। हम उपाधि का स्वीकार करते हैं ऐसा बोलकर अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अपनी जगह पर खड़े होइए और एक साथ हम उपाधि का स्वीकार करते हैं ऐसा बोलकर अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। विविध संकायों के विषय समिति के अध्यक्ष सुवर्ण और पुरस्कार का स्वीकार करेंगे। मैं आपकी आज्ञा से पुरस्कार कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। यह सभी पुरस्कार कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मुरलीधर जी चांदेकर, कुलगुरु संत गाड़गेव अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती, इनके कर कमलों द्वारा
दिए जाएंगे। आज आपको पता है 23 मार्च शहीद खुदात्मा शिवराम हरे राजगुरु, हम इनके नाम से पुरस्कार देते हैं और सभी शहीदों को हम सलामी देना चाहते हैं। मैं सभी को विनती करता हूं कि वह अपने स्थान पर खड़े रहे। अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। शारीरिक शिक्षा विषय समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विकास कोलेजर सर, इनसे विनती करता हूं कि आप पुरस्कार वितरण की घोषणा करें। श्रीमान कुलगुरु महोदय, शारीरिक शिक्षा अभ्यासक्रम परीक्षाओं में उपाधि धारक छात्रों को आपके अनुमति से निमंत्रित करता हूं। उन्हें स्वर्ण पदक, पारितोषिक एवं प्रावीण्य प्रमाण पत्र देकर आप पुरस्कृत करें, ऐसा निवेदन करता हूं। डेनी बोरा एमपीएड स्वर्ण पदक अनुपस्थित। विनय कुमार बेंड बीपीएड स्वर्ण पदक। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द गोल्ड मेडलिस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वप्निल घोले अनुपस्थित। संदीप मंडले डीवाईएड। करिश्मा पाठक एमपीएड अनुपस्थित। गुरिया कुमारी बीपीएड अनुपस्थित। रंजन यादव बीपीई स्वर्ण पदक। रंजन देखो पीछे। विजयलक्ष्मी यादव डिवाइड। सुजाता राय अनुपस्थित। आशुतोष तिवारी बीपीई। आशुतोष तिवारी बीपीई राजगुरु पुरस्कार एवं स्वर्ण पदक। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें भाई और बहनों। रोहिणी बोंडे डीवाइड स्वर्ण पदक।
सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इनको आप सम्मानित करें। मृदुस्मिता फुकन एमपीएड राजगुरु पुरस्कार एवं स्वर्ण पदक। A big round of applause, ladies and gentlemen. राजगुरु पुरस्कार एवं स्वर्ण पदक। रंजन यादव बीपीएड राजगुरु पुरस्कार एवं स्वर्ण पदक। रंजन यादव के लिए जोरदार तालियां। सौरभ ओझा बीपीई राजगुरु पुरस्कार एवं स्वर्ण पदक। विभिन्न विद्याशाखाओं के प्रावीण्य प्राप्त किया को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। कीर्ति सिंह अनुपस्थित। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। समाज विज्ञान विषय समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर सूर्यकांत पाटिल। श्रीमान कुलगुरु महोदय, समान समाज विज्ञान अभ्यासक्रम परीक्षाओं में उपाधि धारक छात्रों को आपके अनुमति से निमंत्रित करता हूं। उन्हें स्वर्ण पदक पारितोषिक एवं प्रावीण्य प्रमाण पत्र देकर आप पुरस्कृत करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सोनाली केचे अनुपस्थित। जीवन भी से बीए योग शास्त्र सुवर्ण पद। सभी छात्रों से विनती की जाती है कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। योग अभ्यास क्रम में सुवर्ण पदक प्राप्त छात्र धीरज थोरात पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग थेरेपी सुवर्ण पदक। आज के कार्यक्रम के सम्मान्य अध्यक्ष इनके करकमलों द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है, साथ ही सभी सम्मान्य अतिथि गिरजा मराठे एमए योग शास्त्र स्वर्ण पदक। जोरदार तालियों से इनका प्रोत्साहन करें दोस्तों। आपकी तालियां ही हैं इनके सफलता का प्रोत्साहन। प्रियंका पोबड़े बीए योग शास्त्र स्वर्ण पदक। प्रीति वाकोडे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग थेरेपी स्वर्ण पदक। संदीप मांदड़े यमे योग शास्त्र स्वर्ण पदक एवं धानोरकर गुरुजी स्मृति नगद पुरस्कार।
सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों से इनका आप प्रोत्साहित कीजिए जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सुशोधन लोखंडे बीए योगशास्त्र स्वर्ण पदक। लोखंडे बीए योगशास्त्र तालियों का सिलसिला जारी रखे दोस्तों। मिस विद्यापति अनुपस्थित। विकास तायवाड़े यमे योगशास्त्र स्वर्ण पदक एवं धानोरकर गुरुजी स्मृति नगद पुरस्कार। लक्ष्मण पांडे बीए योगशास्त्र स्वर्ण पदक अनुपस्थित। अभिमन्यु थापा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग थेरेपी स्वर्ण पदक एवं कोपरकर गुरुजी स्मृति नगद पुरस्कार। स्वर्ण पदक एवं नगद राशि से इनको सम्मानित किया जा रहा है जोरदार ताली से इनको प्रोत्साहित कीजिए। सोनाली केचे यमे योगशास्त्र स्वर्ण पदक। सोनाली केचे यमे योगशास्त्र। धन्यवाद सर। संगणक विज्ञान व अनुप्रयोग विषय समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर श्रीनिवास देशपांडे। श्रीमान कुलगुरु महोदय, संगणक विज्ञान व अनुप्रयोग अभ्यासक्रम परीक्षा में उपाधि धारक छात्रों को आपके अनुमति से निमंत्रित करता हूँ। उन्हें स्वर्ण पदक पारितोषिक एवं प्रावीण्य प्रमाण पत्र देकर आप पुरस्कृत करें ऐसा निवेदन करता हूँ। सुवर्णा निम्बेकर MCA स्वर्ण पदक। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें स्वर्ण पदक प्राप्त छात्रा, इनका जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। दर्शना शर्मा। गणेश फाटे। दर्शना शर्मा अनुपस्थित। गणेश फाटे MCA स्वर्ण पदक एवं राजगुरु पुरस्कार। A big round of applause for the students of MCA department। स्वर्ण पदक एवं राजगुरु पुरस्कार से सम्मानित। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद सर। शेष संकायों के पुरस्कार कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि माननीय श्री डॉक्टर जतिन कुमार जी सोनी, कुलगुरु स्वर्णिम गुजरात क्रीड़ा विश्वविद्यालय गांधीनगर इनके करकुंबला द्वारा होगा। विज्ञान विषय समिति के अध्यक्ष प्राध्यापिका सौ दीपा वैद्य कानेगावकर। श्रीमान कुलगुरु महोदय, विज्ञान विषय परीक्षा में उपाधि धारक छात्रों को आपके अनुमति से निमंत्रित करती हूँ। उन्हें स्वर्ण पदक पारितोषक एवं
प्रवीण्य प्रमाण पत्र देकर आप पुरस्कृत करें ऐसा निवेदन करती हूँ। मयूरी सावलापुरकर BCA स्वर्ण पदक। अनुपस्थित स्वाति जयसवाल BSc स्वर्ण पदक। ये सभी छात्रों का तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। ये हमारे डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के मेरे स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तृष्णा दुद्दलवार MSc स्वर्ण पदक। चंचल पनपालिया BCA स्वर्ण पदक। मस्तान कासिम BSc स्वर्ण पदक। A big round of applause for the students of the science faculty, ladies and gentlemen. भाविका दुगड़ MSc स्वर्ण पदक। सम्माननीय अतिथियों के द्वारा यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। भाविका खुशबू ठक्कर BCA स्वर्ण पदक। तालियों से इन स्वर्ण पदक विजेताओं का स्वागत करें। विधि मोरे BSc स्वर्ण पदक। चित्रा सारडा MSc स्वर्ण पदक। जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों साइंस फैकल्टी के इन स्टूडेंट्स का। आकांक्षा देशपांडे BCA स्वर्ण पदक। तालियों से इनको आप सभी पुरस्कृत करेंगे। आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि इनके कार्यक्रमों द्वारा कोडगड़े BSc स्वर्ण पदक। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सम्माननीय अतिथि। वाणिज्य विषय समिति की अध्यक्षा प्राध्यापिका सौ शीतल काले पोहेकर मैडम। श्रीमान कुलगुरु महोदय, वाणिज्य विषय परीक्षा में उपाधिधारक छात्रों को आपकी अनुमति से निमंत्रित करती हूँ। उन्हें स्वर्ण पदक, पारितोषिक एवं प्रावीण्य प्रमाण पत्र देकर आप पुरस्कृत करें ऐसा निवेदन करती हूँ। खुशबू सिंह BBA स्वर्ण पदक। अनुपस्थित पूजा जाधव MCOM स्वर्ण पदक। अनुपस्थित कोमल अग्रवाल BBA। अनुपस्थित कोमल काले MCOM स्वर्ण पदक। वाणिज्य विषय में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
गणेश दातीर बीबीए स्वर्ण पदक। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें दोस्तों। वाणिज्य विभाग के ये विद्यार्थी प्रज्ञा दारजी एम कॉम स्वर्ण पदक। Students of Commerce Faculty getting felicitated Tejaswini for their Ningot, BBA Swarna Padak. Academic achievements. Big round of applause, my friends. Dhanyavad Mohoday. Dhanyavad Madam. Dhanyavad Mohoday. It is time now to felicitate our very own principal of Degree College of Physical Education, Dr. K.K. Devnath, for his remarkable achievement of securing D.Lit from the University of South America in 2017. I request Professor P.A. Vaidya, the General Secretary of HVPM, to felicitate Dr. Devnath. He has secured D.Lit from University of South America in 2017. Thank you very much. I request once again Padma Shri Professor P.A. Vaidya sir to please come forward to felicitate our distinguished professors for securing Ph.D. from Sant Gargi Baba Amravati University in the year 2015. First and foremost, I'll request Dr. Sanjay Madavi to please come forward. These are our distinguished professors who have secured PhD, doctorate in philosophy from the Sant Gargi Baba Amravati University in 2015. Felicitation by our very own General Secretary of HVPM, Professor P.A. Vaidya. Next on the list, Dr. Kennedy Singh. Next on the list, Dr. Subhash Chauhan. A big round of applause for Dr. Kennedy Singh. Next on the list, Dr. Vijay Pandey. A big round of applause for Dr. Vijay Pandey for securing his doctorate in philosophy from Sant Gargi Baba Amravati University. इसके बाद मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मुरलीधर जी चांदेकर कुलगुरु संत गाड़गे अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती इनके कार्यक्रमों द्वारा जिन्होंने आचार्य पद प्रदान की है उनको गौरव चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू प्रोफेसर पी ए वैद्य साहब। डॉक्टर संजय एडे, मैं कुलगुरु महोदय से विनती करता हूँ कि आपके कार्यक्रमों द्वारा इनको आप सम्मानित करें। डॉक्टर संजय एडे, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। डॉक्टर एसएस पांडे मैडम, आचार्य पदवी से सम्मानित डॉक्टर एसएस पांडे मैडम, सन 2015। डॉक्टर आरजू रोडे मैडम, सन 2015 में आचार्य पदवी से सम्मानित। तालियों का सिलसिला इसी तरह चलता रहे दोस्तों। डॉक्टर सुनील लाबड़े, सन 2015,
डॉक्टर दीपक फडणीस सन 2016 आचार्य पदवी से सम्मानित। धन्यवाद महोदय। मैं उसके बाद में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर किरण गायकवाड़ मैडम। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा और पुरस्कार देंगे डॉक्टर जतिन कुमार जी सोनी साहब। डॉक्टर प्रतिभा भोंडे मैडम। वी रिक्वेस्ट डॉक्टर जतिन कुमार टू डू द ऑनर्स। डॉक्टर प्रतिमा भोंडे, प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। डॉक्टर दीनानाथ नवाते। डॉक्टर दीनानाथ नवाते। २०१६ में संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती की ओर से उन्हें आचार्य पदवी प्रदान करी गई थी 2016। डॉक्टर मधुकर बुरना से 2016-17 में संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की ओर से आचार्य पदवी। उसके बाद आमंत्रित करता हूं विदर्भ केसरी जिनको 2017 में संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की ओर से आचार्य पदवी दी गई डॉक्टर संजय तिरथकर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें दोस्तों। डॉक्टरेट इन फिलोसफी संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से डॉक्टर संजय तीरथकर। धन्यवाद अतिथि महोदय। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी रिक्वेस्ट ऑनररी जनरल सेक्रेटरी ऑफ श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल प्रोफेसर पी ए वैद्य साहब टू एड्रेस द गैदरिंग एंड ब्लेस all the successful students and professors with his kind words. Aapke Suni sahab aur Sanjay sahab dono vice chancellor aaj yahan maujood hai, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरी महत्व की बात, मिनी भारत के स्टूडेंट 25 राज्य की लड़की लड़कियाँ यहाँ पर अपना एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आई हुई लड़की लड़कियाँ, आप ही के हीरा है, सोने को गर्म करके उसको अलग अलग अहंकार तैयार कर सकते, अलंकार तो हीरो को तोड़ नहीं सकते, आप हीरो हीरा हीरा तोड़ नहीं सकते, वो आप हीरा है, समझते के मजबूत लोग हैं आप। सुंदरता ये लड़कियों के लिए सामर्थ्य है, सामर्थ्य ये आदमी के लिए सुंदर है, सामर्थ्य हम यहाँ पर निर्माण करते लड़की लड़कियों के लिए सामर्थ्य। महात्मा गांधी ने बताया था कि मुझे मजबूत लड़कों का नागरिकों का अहिंसा चाहिए, मजबूत जो कमजोर है उनका इंसान कोई काम का नहीं, ये उन्होंने वाक्य बताया 1926 में जब आए थे महात्मा गांधी, उस वक्त उन्होंने बताया। तब से यहाँ पर सारी शिक्षा का कोर्स हिंदुस्तान में हमने शुरू किया 1934 में, व्यायाम शरद ये कोर्स शुरू कर दिया जो हिंदुस्तान में शारीरिक का कौन से तरह का अभ्यासक्रम था।
तीन साल में मई में आकर सारी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते थे, मई में एक महीना, और उसको व्यायाम विशारद ये पदवी प्राप्त होती थी। अलग अलग स्टेट के लड़के, गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, बिहार, यूपी, सारे लड़के जवान, यहाँ पर हजार हजार लोग आते थे। उस वक्त शिक्षा का कोई भी अंग कहाँ में नहीं था। ऐसे व्यायाम शरत लोगों को स्कूल में टीचर करके अपॉइंटमेंट मिलती थी। ये एक इतिहास है, ये बैकग्राउंड है। इस तरह से 100 साल हो गए, 5 लाख लोग पूरे भारत में अपने हीरा करके काम कर रहे हैं। इस तरीके की ये संस्था आज आपके साथ मौजूद है, और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन नहीं बल्कि अलग अलग फैकल्टी यहाँ पर शुरू किया है। तब जाके और तज्ञ लोग इकट्ठा यहाँ पर होकर रिसर्च चल रहा है। इनोवेशन इज द इम्पोर्टेंट, और वो हम कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, जिसमें राजगुरु सरके के लोग आकर स्वातंत्र के लिए बलिदान किया। उन्होंने ज्ञानेश्वर देश पांडे, सुभाष चंद्र बोस के आदिंद सेने में ज्वाइन करके उन्होंने वहाँ पर अपना बलिदान दिया। ऐसे इतिहास है संस्थे का, ऐसे संस्थे में आप लोग यहाँ पर आए, आपका कदम मजबूत चाहिए। जो कदम डिसिप्लिन में है, त्याग है, तपश्चर्या है, निष्ठा है। अरे आज 40 लोगों ने बता दिया जिनको गोल्ड मेडल मिला है, मेहनत की उन्होंने दिन रात। इस तरीके से आपने भी मेहनत करना है, आपने भी मिलाना है, और आपका नारा है आगे बढ़ो, सबसे आगे बढ़ो। आपने नारा देना है, मैं कहूंगा आगे बढ़ो, आप जोर से बोलना है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नई आवाज कम है, मजबूत आवाज, आगे बढ़ो। शाबाश, यह आवाज, ये निष्ठा, स्फूर्ति, ये आपके काम में आएगा। कहां पर भी जाओ हिंदुस्तान में, आपकी इज्जत की जाएगी। पॉजिटिव नेचर रहो, निगेटिव कभी भी मत रहो। एक बार, दो बार, तीन बार पीछे कदम लेकर ऐसी छलांग लगाओ कि दुनिया देखती रहेगी। ये पहले हनुमान अखाड़ा था, लोग बोलते थे ये गुंडों का स्थान है, गुंडों का स्थान है बोलते थे लोग। हमने कहा ठीक है गुंडे ही है, पर सेवा काम करेंगे हम। ये देख के हम, देवी का संस्थान है, उनके पास पैसा था और उनके सामने जगह थी, उन्होंने कहा ये हनुमान अखाड़ा के गुंड अच्छे है, इनको जगह दे दो ताकि चोर चोरी आएगी नहीं। तो उन्होंने सामने की जगह दी जहाँ हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थापन हुई। जवान आते थे लड़के अमरावती के, वो देख के अलग अलग देश के लीडर यहाँ पर आते थे, हजार लोग आते थे। बदल गया है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल हो गया है। फिर अलग कोर्सेज शुरू हो गए, फॉरेन में लोग गए। इतना सारा कुछ देखकर हमारे देहात के लड़के कमजोर रहे, उनके लिए 15 तारीख से 30 तारीख तक फ्री कोचिंग हमने शुरू कर दिया, ताकि विदर्भ के किसान के लड़के मजबूत हो, इसलिए उसको यहाँ पर 15 दिन फ्री लॉजिंग बोर्ड रखकर उनको यहाँ पर पढ़ाया। 50,000 लड़के हमने तैयार करना है। फिफ्थ क्लास शुरू करके स्पोर्ट्स स्कूल शुरू कर दिया है। वो लड़का यहाँ 12 साल रहता है, अब 12 साल में
लड़का नेशनल पर जाता है। तीरथकर जी ने चार पांच लड़के लेकर उनको ऐसा तैयार किया है, वो नेशनल प्लेयर हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। अब उनको गोल्ड मेडल मिला है, पर पहले लड़कों को पहले मिलवाया उन्होंने। इस तरह के ऐसे लोग, त्यागी लोग, कष्ट करने वाले लोग, डेवोटेड लोग ये संस्था में होने के वजह से ये संस्था दिन पर दिन आगे जा रही। हालांकि बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है। तीन बॉस है हमारे लिए, एक महाराष्ट्र शासन, दूसरा UGC, अब तीसरा लोकल। बहुत तकलीफ देते पर अमरावती विद्यापीठ हमको अच्छे तरह से हेल्प कर रहे, इसलिए धन्यवाद। पर कष्ट और तकलीफ से आदमी इंसान बनता है, गद्दी पर बैठ के इंसान नहीं बनता, संस्था नहीं बनती। मैं तो चाहता हूं आने दो प्रॉब्लम, टक्कर देंगे, जो टक्कर देता है उसको यश मिलता है। मंजूर है आपको? कोई तकलीफ हो हमको बुरा, हम आपके गांव आएंगे। ये संस्था सिर्फ डिग्री देने तक सीमित नहीं, आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। कहां पर भी बुलाओ, आपके साथ ये संस्था रहेगी। फिर सर्विस हो या कोई टूर्नामेंट हो या कोई सेवा भाव हो, उस वक्त आपने हमको ललकारना, हम जरूर दौड़ के आएंगे। हम इन्हें चाहते आपसे कुछ सब देंगे हम, पर तैयार रहना। और यही है आज का मकसद फंक्शन लेने का। आज मुझे यहाँ पर आपने बुलाया, प्रिंसिपल साहब ने, उनको डिलीट मिल गई है। हमारे स्टाफ सिर्फ पढ़ाते नहीं, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी कष्ट करते हैं आपके साथ, वो भी सीखते हैं। कोई आदमी उसका एजुकेशन पूरा नहीं होता है, मरते तक वो स्टूडेंट ही रहता है। मैं भी पढ़ता हूँ आपकी तरफ से, आपने हमको यहाँ पर गढ़ाया, आपने हमको यहाँ पर बनाया, और इसकी तरह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। धन्यवाद फिर से एक बार अपने जो तीन लोग शहीद हुए राष्ट्र के लिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मैं कहूँगा ये तीनों अमर रहे। अपने जोर से बोलना, अमर रहे ये तीनों शहीद, अमर रहे। जोर से बोलना, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर पी ए वैद्य साहब। मैं आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि माननीय डॉक्टर जतिन जी सोनी, कुलगुरु स्वर्णिम गुजरात क्रीड़ा विश्वविद्यालय गांधीनगर, इनसे विनती करता हूं कि दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर छात्र को मार्गदर्शन करें। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज ऑन डायस ऑफ द डायस एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दो तीन चीजें आपसे मुझे कहनी है। वो ये है कि स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को अगर स्ट्रॉन्गर करना हो तो आपके पास कागज से पढ़ के, कागज पे लिख के, और आपको जो कागज मिला है उस कागज के बाद आपकी जो स्किल डेवलप हुई है वो स्किल को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके हम पूरी सोसाइटी को सर्विस दे पाएंगे। पेपर क्वालिफिकेशन के साथ स्किल एक्विजिशन और कंट्रीब्यूशन, ये दोनों बहुत अहमियत रखते हैं हमारी लाइफ में। ये पवित्र भूमि पे खड़े होके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आपके डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए और देश को स्ट्रॉन्ग सोसाइटी देने के लिए ये इंस्टीट्यूशन जो काम कर रही है वो बहुत बड़ा काम है। देश की आज़ादी से लेके आज तक, आज़ादी के बाद आज़ाद देश को बरकरार रखने के लिए इस संस्था ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप इसी संस्था के स्टूडेंट्स हों तो मैं चाहूँगा कि दीक्षांत समारोह के बाद जब आप अपनी जगह पे जाएं,
जहाँ आपका व्यवसाय हो, जहाँ भी जाए वहाँ आप कंट्रीब्यूटर बने। आप एज ए स्पोर्ट्समैन यहाँ पे थे, एज ए टीचर आप यहाँ पे बने, एज ए कोच, एज ए मेंटर आपको बहुत कुछ करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यू आर अ ह्यूमन इंजीनियर, यू आर अ बिल्डर ऑफ स्ट्रांग नेशन, यू आर बिफोर द डॉक्टर। हमारी सोसाइटी फिटनेस को बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर रही है, इसलिए मेडिकल और जेल के एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हैं। अगर इसको ठीक करना हो, पूरी सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना हो, पूरे देश को, पूरे भारत को अगर विश्व के फलक में लाना हो, तो आपके माध्यम से जो बच्चे, जो फ्यूचर जनरेशन तैयार होगी, वो स्ट्रांग और वैल्यूड जनरेशन तैयार होगी। इसलिए आपको स्पोर्ट्स के साथ वैल्यू सर्व करना होगा। वैल्यू आपने यहाँ से सीखी है, इस धरती ने बहुत कुछ आपको दिया है। अब साबित आपको ये करना होगा कि आप देश को क्या दे रहे हैं। सिर्फ कागज लेके मत जाइए, एक पैशन लेके जाइए। पैशन ये होना चाहिए कि मैं पूरे भारतवर्ष को एक फ्यूचर ओलंपियन दूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 125 करोड़ की जनता में हम लोग ओलंपियन नहीं दे पाते, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा जो सिस्टम हमसे जनरेट हुई है और हमारे पहले जो लीडर थे उन्होंने जो सिस्टम बनाया था वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था। हमें दो स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, डेवलप कंट्री के साथ हमें चलना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस से रुक के आपको यहाँ नहीं चलना है, आपको बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट बनना है जो स्पोर्ट्स इको सिस्टम को स्ट्रेंथन करे। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारे फिजिकल एजुकेशनिस्ट, हमारे स्पोर्ट्समैन वहाँ नहीं जाते, इसलिए जर्नलिज्म से जो चीज़ें सोसाइटी के सामने जाती हैं वो वैल्यूड और स्पोर्ट्स की रियल जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीवर नहीं होते। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बहुत बड़ा सेक्टर है लेकिन वो मोस्ट इग्नोर्ड है। वो लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को हैंडल करें जिनको स्पोर्ट्स पता ही नहीं है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, आज आप देखिए जितने भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए कार्यरत हैं वो सभी कोचिज और एथलीट एक कॉमन डाइट लेते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हर एक एथलीट यूनिक होने की वजह से उसका अपना पर्सनल डाइट प्लान होना चाहिए, लेकिन इस लेवल पे काम करने वाले लोगों की कमी है। ये डिग्री और डिप्लोमा के बाद ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें जाके आप स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप कोशिश करिए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बनने की, इनोवेशन करके एक नई टेक्निक इवॉल्व करके पूरे भारतवर्ष के जो हमारे एथलीट हैं उनको आप हेल्प कर पाए, साइंटिफिक सपोर्ट दे पाए। आज हालत ये है कि कोच टीचर्स, पी टीचर्स कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। कोच अपना काम करता है ग्रास रूट से लेके हाई परफॉर्मेंस तक, और हमारे पी टीचर भी वही काम करते हैं ग्रास रूट से लेके हाई परफॉर्मेंस तक। वी डोंट हैव अ क्वालिटी सर्कल। हम कंट्रीब्यूटरी एफोर्ड से नहीं चलते। आप मेडिकल साइंस में देखिए, अगर एक एथलीट, एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास आता है, अगर अपना दायरा जहाँ उसका ख़त्म होता है वो कहता है बड़े डॉक्टर के पास जाइए, बड़ी हॉस्पिटल में जाइए। हमारी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है, पी टीचर हो या कोच हो, वो एथलीट को अपनी प्रॉपर्टी समझता है और उसको शुरू से लेके अंत तक उसी को लेके चलता है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो हमें एक क्वालिटी सर्कल बनाना पड़ेगा। आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो सभी, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, आप अपने आप को कनेक्ट रखिए, एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करिए। नॉलेज शेयरिंग इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट इफ़ यू कैन डू। नॉलेज शेयरिंग से फ़ायदा ये होगा कि हमें स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में जहाँ मिसिंग इन लिंक है उसको हम कनेक्ट कर पाएंगे। हम अकेले नहीं, हम साथ में काम कर सकते हैं, एक टीम बन के काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट की जगह अगर हम कॉन्ट्रीब्यूटरी अप्रोच से चलते हैं तो सारे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट,
स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल एजुकेशनिस्ट, एमिनेंट कोचिज सब एक प्लेटफॉर्म पे आके स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बढ़ा सकते हैं। आपने नॉलेज तो लिया, लेकिन नॉलेज लेने के बाद जब आप फील्ड में जाएंगे आपको बहुत कुछ साबित करना होगा। आपको ये बताना होगा कि हाउ फिजिकल एजुकेशन इज वैल्यूड फॉर द सोसाइटी। स्पोर्ट्स क्या ओलंपियन या चैंपियंस बनाने के लिए है? नहीं, स्पोर्ट्स जीवन का एक भाग होना चाहिए, अंतरंग पार्ट होना चाहिए। नो स्पोर्ट्स नो लाइफ, ये मैंने अपना जीवन मंत्र बनाया है और आपको भी वही जीवन मंत्र आपको देता हूँ। आप देखिए स्पोर्ट्स में क्या होता है, जो जीतता है वो झुकता है, जो हारता है दूसरे कमिटमेंट के साथ दोबारा खड़ा होता है। ये स्पोर्ट्स हमें सिखाता है। आपको वही वैल्यू सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म करनी होगी। अगर आप नहीं कर पाए तो ये डिग्री किसी काम की नहीं। हमें हेल्दी स्ट्रांग सोसाइटी चाहिए और ये तभी हो सकता है जब आप डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन से अपने फील्ड के साथ कनेक्ट रहे, उसको जस्टिस दे। जो नॉलेज आपने यहाँ से एक्वायर किया है वो नॉलेज आपको स्प्रेड करना होगा, आपके पास सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष को आपकी ज़रूरत है। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे भारतवर्ष से अलग अलग इंस्टीट्यूशन में से डिग्री, डिप्लोमा, गोल्ड मेडल लेके निकलेंगे, लेकिन वो गोल्ड मेडल तभी सही है जब तक आप उसको साबित नहीं करते। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप गोल्ड मेडल के लायक थे और सोसाइटी में जाने ये कहना पड़ेगा कि हमने जो अचीव किया है अब हम इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ये आप कर पाते हैं तो दीक्षा तभी मानी जाएगी। आप कोशिश करिएगा कि स्पोर्ट्स के माध्यम से नए भारतवर्ष का निर्माण करें। हमें स्ट्रांग यूथ की जरूरत होगी और ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, ये सबसे ये चीज़ें निकल के बाहर आएगी। जिनको डिग्री, डिप्लोमा, मेडल्स मिले हैं सभी को धन्यवाद। इस पवित्र भूमि में जहाँ मेरी भी इच्छा थी एक टाइम में कि यहाँ मैं आके पढ़ूँ, मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन आज मुझे बहुत गर्व है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपसे मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वन एंड ऑल। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद सर। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती बहु विद्या शाखा स्वायत्त महाविद्यालय पांचवा दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय डॉक्टर मुरलीधर जी चांदेकर साहब, मैं इनसे विनती करता हूँ कि वह कार्यक्रम का अध्यक्षीय भाषण करें। डॉक्टर मुरलीधर जी चांदेकर साहब। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पांचवें दीक्षांत समारोह के में उपस्थित आज के प्रमुख अतिथि और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गुजरात के सम्माननीय कुलगुरु डॉक्टर जतिन कुमार जी सोनी हमारे सभी के प्रेरणा स्थान रहे। पद्मश्री आदरणीय श्री प्रभाकर राव जी वैद्य, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवनाथ जी, संस्था के सचिव डॉक्टर माधुरी जी चेनके, श्री श्रीकांत जी चेनके, डॉक्टर एस एस देशपांडे सर, मंच पर उपस्थित अन्य सम्माननीय अधिकारी, प्राध्यापक, अधिष्ठाता, सभा में उपस्थित संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद के सम्माननीय सदस्य एवं प्राचार्य डॉक्टर ए बी मराठे, अन्य सम्माननीय उपस्थित नागरिकगण, आज जिनके उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, सभी आचार्य पदवी प्राप्त एवं पदवी धारक
सारे विद्यार्थी और अन्य सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज सर्वप्रथम सभी सफलताधारी विद्यार्थियों का अभिनंदन करने में बड़ा हर्ष महसूस इसलिए कर रहा हूँ कि आज का दिन बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ पर शहीद होना उसको सौभाग्य मानते हैं और देश के लिए आज 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आज़ादी की लड़ाई में इनको शहीद होने का सौभाग्य इस दिन प्राप्त हुआ और उसमें बहुत भाग्यशाली बात यह भी है कि तीन जो हमारे शहीद हैं इनमें से एक इस महाविद्यालय के छात्र भी रह चुके हैं। हम ऐसे शहीद जिन्होंने देश के स्वाधीनता में अपनी जान गंवा दी, शायद अपने पढ़ा होगा देखा होगा फिल्मों में, तो जो खुशी खुशी इस देश के लिए अपनी जान गंवाने में जिसको एक स्वाभिमान महसूस करते थे, ऐसे राजगुरु जहाँ पर पढ़े हैं, जहाँ के छात्र हैं, ऐसे स्थान पर आप आज एक सफल विद्यार्थी के रूप में पदवी प्राप्त करके यहाँ पर जा रहे हों, इसलिए मैं बड़ी मन से आपका अभिनंदन करता हूँ। पदवियाँ तो बहुत मिलती हैं, हर साल मिलती हैं, क्योंकि ये तो रूटीन है, जब प्रवेश लेते हैं तो पदवियाँ तो प्राप्त होती ही रहती हैं। पदवियाँ कहाँ से मिलती हैं और कैसे मिलती हैं इसको भी ज़्यादा महत्व है, इसलिए मित्रों हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जिसका गर्व तो संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय को भी होता है, काफ़ी बार ऐसे होता है कि महाविद्यालय कहते हैं कि हम किसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं कभी कभी कहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के साथ में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल भी जुड़ा हुआ है। इसके बहुत कारण हैं, एक तो पैदाशी हमारे पहले की है, संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय बाद में आई, दूसरे ऐसे कि जहाँ पर विश्व मान्यता जिस संस्था को प्राप्त हुआ होगा तो वह तो विश्वविद्यालय हो या और कोई भी हो, और ये महाविद्यालय हो या और कुछ भी हो, लेकिन वह तो एक मार्गदर्शक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाने में सक्षम है, इसलिए मुझे बताने में भी कोई संकोच नहीं हो रहा है कि देवनाथ सर ने अपने वक्तव्य में भी परीक्षा के बारे में कहा, जिस प्रकार की उपलब्धियाँ इस महाविद्यालय ने टेक्नोलॉजी और बाकी सब इसमें की, इसका जिक्र उन्होंने किया, मैंने देशपांडे सर यहीं के प्राध्यापक हैं उन्हीं को हमने विनंती किया था और कहा था कि जरा हमारे भी परीक्षा में सुधार करवा दीजिए। मैं सभी के सामने भी कह रहा हूँ, संकोच की बात है नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, लोगों के अच्छे गुण लेते लेते ही जो प्रवास करता है वही सफलता प्राप्त करता है, इसी धारणा पर हमारा विश्वास है। और इसलिए यदि मैं कुलगुरु होने के बावजूद भी यदि यह कहता हूँ कि यह विश्वविद्यालय में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जैसी भी एक संस्था है तो मुझे कोई संकोच नहीं होता है, बल्कि एक अभिमान से एक अपने आप को एक फख्र महसूस करता हूँ। और ऐसी संस्था क्या पदवीधारक आज हो गए हैं, आज आपको यहाँ से पदवी प्राप्त हुई है, अपने मुख्य अतिथि ने सही बात कही, जिस कारण आपने यहाँ पर प्रवेश लिया था उसका लक्ष्य आज प्राप्त हो गया, 25 राज्यों से छात्रों ने यहाँ पर आना, मुझे नहीं लगता कि देश में ऐसा कोई कॉलेज होगा, आईआईटी वगैरह छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस किसी कॉलेज में देश के 25 राज्यों के छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसा कोई कॉलेज देश में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हुआ है। पिता आपके माताजी पिताजी ने दूर दूर से, आसाम से भी बच्चे यहाँ पर हैं, दार्जिलिंग से भी हैं, और उन्होंने यहाँ पर बड़े विश्वास के साथ कि आपको भेजा था कि बेटा पढ़ाई के लिए ऐसे जगह पर जाओ जहाँ पर सफलता प्राप्त भी होगी और सफलता का उपयोग भी होगा, विश्वास के साथ में उन्होंने कहा भेजा आपको, और आज पहला चरण उस सफलता का है।
जो पदवी के रूप में लेकर आप अपने घर में गए होंगे या जाएंगे और पिताजी को कहेंगे कि आपने जिसके लिए वहां पर भेजा है यह कागज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अपने अतिथि ने सही बात कही, कागज तो देखकर एक बार लोग खुश भी हो जाएंगे। मैंने भी यहां पर जब गोल्ड मेडल दिए हैं और पदवी प्रमाण पत्र दिए तो बहुत मन से उनका भी अभिनंदन किया, किसी को कहा कि बहुत आपके लिए तालियां बज रही हैं। कुछ बच्चों के लिए ज़्यादा तालियां बजती थी, एक मैडम के लिए भी बहुत तालियां बजी। मैंने उनको इसलिए कहा कि तालियां बहुत बज रही हैं मतलब आपकी जो सफलता आपको प्राप्त हुई है उसकी जितनी खुशी आपको हो रही है उतनी खुशी आपके बच्चों को भी हो रही है। अच्छी मानसिकता है, खुशियां बांटना, दुख में सहभागी होना बहुत आसान होता है, वो तो कोई भी कह देता है, खुशियों में सहभागी होना बहुत कठिन होता है। और हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के तो छात्रों को कठिन बातें करने की आदत है, इसलिए ये भी आज आपने वो भी दिखा दिया कि वो खुशियों के माध्यम से। सवाल आज के खुशी तक का सीमित नहीं है, सवाल तो इसके बाद के प्रवास का है। आज तो प्रभाकर राव जी ने भी कहा कि उनको भी बहुत फक्र होता है, मैंने भी अभी प्रभाकर राव जी को कहा कि वो, उन्होंने कहा कि ये तो जन्म भर मैं यही करते आया हूँ। मैंने कहा कि पता नहीं आपको वो उसका ज्ञान है नहीं है, लेकिन हम सब लोग ये जानते हैं कि आपका जन्म कितने काम में आया है, कितनी बड़ी उपलब्धि आपने करवा के दी है कि पूरे विश्व में जो आपने छोटे रूप में काम किया होगा उसका एक बड़े वृक्ष में आज उभर कर आया है। तो बड़े लोगों को तो उनके कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता है, वो तो करते ही जाते हैं, इसलिए मुझे पता नहीं कि उनको पता है कि नहीं, लेकिन हमको पता है। तो इसलिए भी कि ये सारी चीज़ें तो है, उन्होंने कहा भी आपको बहुत खुशी उनको हो रही थी, शायद आज उन्होंने पहले दिन को भी याद किया होगा कि पहले दिन मैंने जो किया था, आज देखो कितना बड़ा माहौल बना हुआ है, यहाँ पर पदवी लेकर अलग अलग राज्यों में अपने अपने घर में लोग जाएंगे। आज का आनंद जितना उनको हुआ उससे ज़्यादा आनंद तब होगा जब इस पदवी के आधार पर ये बच्चे जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग भूमिका में खड़े होंगे, सफलता के आधार पर वो उनके लिए सही आनंद होगा। शैक्षिक संस्थाएं केवल पदवी बांटने के लिए नहीं होती हैं, पदवी तो जीवन में कुछ करने के लिए एक मिला हुआ लाइसेंस है। अभी आपको लाइसेंस मिल गया है, आज लाइसेंस मिलाने के लिए जो कुछ किया वो कम है, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद में जो करना है वो बहुत है। तो शायद जितना लक्ष्य आपने पदवी प्राप्त करने के लिए यहां पर रखा होगा उससे कई गुना अधिक लक्ष्य भी आपको आगे के प्रवास के लिए रखना है। ये पदवीदान समारंभ जो होता है ना, ये आपकी तारीफ और कौतुक जिसको कहते हैं वो करने के लिए पक्का होता है, वो तो मन से करती हैं, लेकिन केवल उसके लिए नहीं होता है। तो जो लेकर आप प्रमाण पत्र लेकर अभी समाज में आने वाले इसमें जाने वाले हो, वहां पर सफलता की याद दिलाने के लिए होता है। इसलिए परीक्षा में पास होने के लिए तो गुणों की जरूरत होती है, वो तो लिए हैं आपने, उसके लिए तो गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस पदवी के आधार पर अभी गुणों की जरूरत नहीं है, गुणवत्ता की जरूरत है। और वो गुणवत्ता हासिल करने के लिए अभी आपको केवल परीक्षा और किताबों की ओर नहीं, स्वयं की ओर देखने की भी जरूरत रहेगी कि मुझे मेरे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और क्या कुछ कमियां मेरे में रह गई हैं, उसमें मैं क्या सुधार ला सकता हूं। और जब अपने ओर देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण आप जब प्राप्त करोगे और सफलता प्राप्त करोगे, तो जैसे मुझे अभी आंकड़ा याद नहीं आ रहा है लेकिन वो सही होगा, प्रभाकर राव जी ने कहा कि आज तक 5 लाख बच्चों को हमने पदवियां बांटी हैं। ये 5 लाख बच्चे यदि अपने अपने जगह पर जाकर सफलता के आधार पर खड़े होंगे तब केवल ये इसका नाम नहीं होगा और वो प्रभाकर राव जी के कारण नाम नहीं होगा, आप बच्चों के कारण भी इस संस्था का नाम होगा और वो सबसे बड़ी खुशी रहेगी। इसलिए आज परिस्थितियां बहुत बदलती जा रही हैं, यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी के बच्चे, BBA, BCA, MCA के भी बच्चे हैं, फिजिकल एजुकेशन के भी बच्चे हैं, हर जगह पर रिक्वायरमेंट्स बदलते जा रही हैं। मैं आपको आज के दिन कहीं निराश करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना पक्का कहता हूँ कि आने वाले समय में केवल परीक्षा का जो रिजल्ट है वह पर्याप्त नहीं है, आपके वैयक्तिक कौशल्य जो हैं
एक्सपर्टाइज जो है वो बहुत महत्व रखती है। तो कभी कभी आपको जो सीखना था वो तो औपचारिक पद्धति के माध्यम से सीख ले आपने, अभी तो सही शिक्षा का प्रारंभ आज से आपका हो रहा है, तो उसमें मुझे वैयक्तिक इस पर क्या सीखना है, ऐसा इस प्रकार का संकल्प आप यहाँ पर करेंगे मुझे ऐसा लगता है। और जो इतने साल के प्रवासों में जो गरिमा अपनी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने जो बनाई है, मेहनत से बनाए, सारे शिक्षक प्राध्यापक यहाँ पर, कितने प्राध्यापकों ने आज पीएचडी की डिग्री हासिल की, मजाक थोड़ी है। मैंने कहा भी देवनाथ सर को कि इतने प्राध्यापक भी अपने उस शिक्षा के गुणवत्ता पर अपना भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, और आपको सफलता देते देते स्वयं ने भी सफलता प्राप्त की है, तो मैं उनका भी बहुत मन से अभिनंदन करता हूँ। एक सफलता की दिशा में आज प्रारंभ हुआ प्रवास, इसको बहुत मन से और एक संकल्प के साथ में आगे भी करेंगे, इस प्रकार का मैं विश्वास आपसे व्यक्त करता हूँ। और फिर से एक बार इस पदवीदान समारंभ के उपलक्ष्य में आपको जो सफलता यहाँ पर प्राप्त हुई है उन सभी का अभिनंदन करते हुए मेरा अध्यक्ष भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने जो मार्गदर्शन किया निश्चित रूप से हमारे छात्रों को उनके भविष्य के लिए लाभदायक होगा और उनके जीवन में वो स्मरण करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इसके बाद आज के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्राध्यापक रवि साहू। थैंक यू सर, इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर द फिफ्थ कॉन्वोकेशन सेरेमनी हियर। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस डीप ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट ऑफ टुडेज फंक्शन, द वाइस चांसलर ऑफ संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुरलीधर जी चांदेकर। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द वाइस चांसलर ऑफ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर जतिन कुमार जी सोनी फॉर एक्सेप्टिंग आर इन्विटेशन टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन। आई थैंक ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, द मीडिया एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द प्रेस, द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर टुडे। स्पेशल थैंक्स टू द फैमिली ऑफ मातायर शिवराम हरि राजगुरु for the prestigious Rajguru Award, for the Ganorkar family for the Tarabai Ganorkar Award, to the Dhanorkar family for the Dhanorkar Guruji Award. I also thank all the event vendors, especially Sapne Studio, and all the people who are directly and indirectly involved in the success of this fifth convocation ceremony. This will be followed by the Rashtra Geet, and then with the permission of the president of the function, the program will be declared as concluded. I'll request all present here to stand for the Rashtra Geet. Sabhi apne sthan par khade rahenge, samuhik rashtragan hoga. Rashtragan hoga. एक साथ राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उछल जल तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाता। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद। सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। सम्माननीय अतिथियों का यहाँ से प्रस्थान होने के पश्चात सभी उपस्थित छात्र छात्राएं यहाँ